बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सीन कुछ इस तरह से है कि पिछले सीज़न मैंने एक कैंप लिया था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कहीं टूर पे जाऊँ, मैं किसी ना किसी जगह पे ना कैंप ज़रूर लगाऊं। आज मैंने ये इरादा किया कि चलो कैंप लिया है उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, कहीं लगा के देखते हैं। अरे यार, कौवे जो है ना, कैंपिंग का मज़ा लेने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने इस ब्यूटीफुल एरिया में, ब्यूटीफुल जगह पर। ये हमारा नहर वाला इलाका है, वहाँ देखें वो ट्रैफिक है। मैं उस साइड को क्रॉस करके इस साइड पे आया हूँ कि चलो को थोड़ा सा ना शोर शराबा कम होगा। कैंप का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये डबल पार्ट में, एक ये पड़ा हुआ है ये पैराशूट का है और इसका जो नीचे वाला हिस्सा ये है। अब ये तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, अब इसके ऊपर जो है वो दूसरा पैराशूट वाला लगाते हैं, फिर इसको ज़रा ट्राई करते हैं कि कैसा नज़ारा आता है कैंप में बैठने का। शाम भी होने वाली है और लाइट भी थोड़ी लो हो गई है। कैंप जो है वो तकरीबन बिल्कुल तैयार है। कैंप का जो अंदरूनी हिस्सा है, अगर मैं इसमें लेटता हूँ, मेरे साथ वो इतनी स्पेस है कि एक बंदा आराम से इसमें सर्वाइव हो सकता है। मतलब ये दो बंदों के लिए, टू पर्सन का जो है वो ये है कैंप। कैंप काफ़ी ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का है, मुझे आज पता चला है। तो इंशाल्लाह सीज़न अभी स्टार्ट है और इसको कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। कैंप लगाने के दौरान मुझे काफ़ी ये देखे पसीना आया हुआ है, तो क्योंकि ये इस एरिया के लिए नहीं होता, आपको पता है माउंटेन्स में पहाड़ी इलाकों में जाके फिर इसके लिए एक स्लीपिंग बैग होता है, फिर इसके अंदर एक मैट होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कैंपिंग की इक्विपमेंट्स काफ़ी होती हैं, जिस वजह से ना बहरहाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी लेंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, उससे पहले कि सूरज जो है वो ग़ुरूब हो इसको क्लोज़ करते हैं और इसके साथ ही कैंप को भी क्लोज़ करते हैं और इसके साथ ही अपने आज के व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। ये आरिफ भाई, इट्स ब्यूटीफुल पर्सन और ये मुझे हेल्प करते हैं काफ़ी व्लॉग्स में।